बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। यहाँ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है, और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है शंकर को, जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर समर्पित हुआ वो बेर का, इतना महत्व महाराज। और जो देवता को उठाने के लिए बोर समर्पित करा जाता है, बेर भाजी आंवला उठो देव सांवरा, उसमें शंकर जी का भाव है, क्योंकि शिव जी का दर्शन भगवान नारायण उठते से ही करना चाहते हैं। सबसे पहले नेत्र खुले और मेरा शिव का दर्शन हुआ, बेर का भाव ही शिव का दर्शन का भाव। कितनी बड़ी औषधि होगी बेर के अंदर, जरा देखिएगा कि मेरे राम जी शबरी अंबा के दरवाजे पर पहुंचे। आप लोग भजन में लेते रहते हो, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। और बागों से चुन चुन के वो लेकर आई बेर की टोकरी, खट्टे हो चाहे मीठे हो पाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम। शबरी ने राम जी को बेर दिए, राम जी ने बेर खाया, प्रेम से खाया, याद आया पीछे लक्ष्मण खड़ा है, राम जी ने लक्ष्मण को बेर दिए, ले लक्ष्मण ये बेर खा ले। लक्ष्मण जी ने बेर लिए, लक्ष्मण जी ने बेर को देखा तो वो शबरी अंबा अपने मुंह से झूठा करके दे रही है। लक्ष्मण जी ने बेर लिया, पास में रख लिया, फिर लिया, फिर रख लिया। सबरी जी राम जी को बेर दे, राम जी लक्ष्मण जी को बेर दे, लक्ष्मण जी वो बेर लेके पीछे फेंकते जाए, उठाए फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका। अब कोई लक्ष्मण साधारण है? जब भगवान राम विष्णु हैं, लक्ष्मण शेषनाग हैं, शेषनाग अगर कोई चीज फेंकेगा तो क्या पास में फेंकेगी? उठाया फेंका, कोसों दूर जाकर गिरा। और वो बेर कब काम आया? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छा होकर जमीन पर पड़े। सुषेण वेद को बुलाया और वेद से बुलाकर पूछा कि लक्ष्मण कैसे उठेगा, तो कहा संजीवनी लेकर आओ। संजीवनी लेने के लिए भेजा, तब संजीवनी लेने के लिए जब श्री हनुमान जी महाराज गए, संजीवनी बूटी जब लेकर आए और लक्ष्मण जी को जो दी, तब राम जी पहचान गए ये संजीवनी कोई दूसरी नहीं है, लक्ष्मण जी को जो बेर खाने को दिया था वो बेर फेंक दिया था, उसी बेर की पत्ती है जिसको निचोड़ निचोड़ कर लक्ष्मण जी को खिलाना पड़ी है। तो राम जी रोते रोते बोले, पहले ही खा लेता तो खाना नहीं पड़ती, कोरोना का टीका पहले ही लगवा लेता तो दादा निपटता ही नहीं लगे तो आया ही। यहां तो सीधी सीधी बात है ना, कहा पोलियो की दवाई, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, पोलियो की दवाई पियो तो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगे। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? पियो विकलांग नहीं होगे।
जो नहीं पिएगा वह हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो माता के गर्भ में है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव महापुराण नहीं सुनोगे तो काम लोभ विषय आसक्ति से विकलांग हो जाओगे। इसलिए सुनो, ये सुनने का विषय है, इसको श्रवण करना, हमारे जीवन में उतारना।